नमस्कार, मैं कविता कुशवाहा, सहायक प्राध्यापक श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एनेबल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर टू वर्क इन ए सिंक्रोनाइज वे इज नो एज सॉफ्टवेयर। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑफ्टन कॉल्ड अ प्रोग्राम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो स्वयं से कोई कार्य नहीं करता है, यूजर जो है वो उसको निर्देश देता है तभी वो काम कर पाता है। ये निर्देश जो होते हैं वो एक क्रम में होते हैं, इसे हम प्रोग्राम कहते हैं। और जब विभिन्न प्रोग्राम मिलता है तब वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो बिना सॉफ्टवेयर के जो है हमारा सिस्टम जो है वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की नीड के लिए बनाए जाते हैं। मीन्स जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने से कंप्यूटर के बंद होने तक जो भी उसमें निर्देश फॉलो होता है वो सारा चीज़ कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। मीन्स कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की बहुत आवश्यकता होती है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में नहीं होगा तो हमारा सिस्टम जो है वो रन नहीं कर पाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम और यूजर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हमारे सिस्टम में तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देता है उसे सिस्टम तक पहुंचाता है। प्रोसेस करने से लेके आउटपुट तक के डेटा को स्टोर करना है, कहाँ पे उसको स्टोरेज के लिए स्पेस देना है, सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मीन्स डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, जॉब अकाउंटिंग है, सारा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अपने सिस्टम की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का वर्क क्या है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, मीन्स 0 और 1 की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, जब सिस्टम में हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो क्या होते हैं, थोड़ा सा वो मशीनी हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या रहता है कि वो हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करता है। उससे क्या होता है कि सिस्टम जो है हमारे दिए गए निर्देशों को समझता है और हमें वो आउटपुट मिलता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला है असेंबलर, नेक्स्ट है कंपाइलर एंड थर्ड है इंटरप्रेटर। सबसे पहला है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है हमने जो भी निर्देश दिए हैं उसको रीड कर सके और हमको आउटपुट मिल सके। फिर नेक्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर हम जो भी प्रोग्राम्स देते हैं उसको कंपाइल करता है। कंपाइलर का वर्क क्या होता है कि वो एक साथ हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। मीन्स हमने कोई प्रोग्राम दिया तो क्या करेगा, वो एक साथ इस तरह से सारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करने के बाद फिर कुछ एरर है तब वो एरर जनरेट करता है नीचे, अदरवाइज वो हमको रिजल्ट देता है। तो कंपाइलर जो है वो
हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में और मशीनी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। सी, जावा, पास्कल, ये सारी लैंग्वेज में जो है कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम भी यही होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में और मशीनी लैंग्वेज को जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है। लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों में काम करने का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे कंपाइलर जो है वो एक साथ सारे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप या लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। जैसे कि एक लाइन को इंटरप्रेटर ने कंपाइल किया, उसके बाद कुछ भी एरर रहेगा तो यहाँ पे वो एरर जनरेट करेगा, और ये कब तक यहाँ पे रुका रहेगा, जब तक कि हम एरर को सॉल्व नहीं करते, यहीं पे हॉल्ट कर देगा उस प्रोग्राम को। जब यहाँ पे हम एरर को सॉल्व कर देंगे तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अगर ये सही है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में कुछ एरर रहा तो फिर से वो एरर जनरेट कर देगा। मीन्स इंटरप्रेटर क्या करते हैं, वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप, लाइन बाई लाइन जो है वो ट्रांसलेट करते जाता है। ठीक है, ज़्यादातर इसका यूज़ जो है वो बेसिक लैंग्वेज में किया जाता है। फिर हम देखते हैं आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे हमने बात किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर का, मीन सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, सिस्टम में हम जो भी वर्क करते हैं उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र पर्पस है, ये कि किसी ना किसी उद्देश्य से बनाया जाता है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर यूज़र के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, मान लीजिए मुझे कोई लेटर टाइप करना है तो मैं MS Word को डाउनलोड करूँगी। ठीक है, किसी को अकाउंटिंग का काम करना है तो वो टैली को ज्वाइन करेगा, किसी को पावर पॉइंट बनाना है तो वो PPT बनाना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करेगा। कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक उद्देश्य से बना होता है, किसी ने किसी पर्पस से बनाया जाता है, और हर यूज़र का जो है यूज़ जो है वो अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के सिस्टम में एक जैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो। मुझे वर्ड की नीड है तो मैंने वर्ड डाउनलोड किया, किसी को टैली चाहिए तो टैली डाउनलोड करेगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये अलग अलग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड करता है और काम करता है। फिर नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि यह सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जनरली कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पहले से हमारे सिस्टम में रहते हैं, जैसे डिस्क फॉर्मेट हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, और उसके अलावा भी यूज़र जो हैं अदर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं जो हमारे सिस्टम को क्लीन रखता है, वायरस आने नहीं देता, जिससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो ये थे सॉफ्टवेयर के टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर वो सारे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कनेक्टिंग कंपोनेंट्स जिसका यूज़ जो है हम सिस्टम में करते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इनपुट हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर एंड लास्ट है कनेक्टिंग हार्डवेयर, या स्टोरेज भी लिख सकते हैं, स्टोरेज, कनेक्टिंग भी दे सकते हैं कनेक्टिविटी के द्वारा। जैसे इनपुट हार्डवेयर में क्या चीज़ें आ जाएगी, यूज़र जब इंस्ट्रक्शन देता है सिस्टम को तो किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू ही देता है, तो इनपुट हार्डवेयर के अंतर्गत हमारा आ गया कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, इस तरह से जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन,
बहुत सारी इनपुट डिवाइस हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इनपुट हार्डवेयर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट में भी हम रिजल्ट लेने के लिए बहुत सारे हार्डवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, इस तरह से जिससे हमको आउटपुट मिलता है जिन डिवाइस से, वो सारे हो गए आउटपुट हार्डवेयर। ठीक है, फिर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, तो इस तरह से स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हम जिन जिन डिवाइस का यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें जो है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। वैसे कनेक्ट के लिए मॉडम हो गया, उसके अलावा वायर एंड केबल, इन सारी चीज़ों का हम कनेक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, मीन्स बिना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू का होना आवश्यक होता है, उसी तरह सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। अगर सिर्फ हमारे पास हार्डवेयर पार्ट्स हैं, मान लीजिए मैंने प्रिंटर लेके आ गई, लेकिन प्रिंटर का सॉफ्टवेयर अगर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मैंने अपलोड कर दिया सिस्टम में, लेकिन उसके हार्डवेयर पार्ट्स नहीं हैं, तो वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। मीन्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे की नीड होती है। ओके, ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।